हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, सब बढ़िया होंगे होप सो। तो गाइज अभी क्या, मुझे 9:30 बजे अभी फ़ोन आया डिलीवरी बॉय का कि आपका जो पार्सल है UPSC जो अपना GoPro था वो आ चुका है। तो वैसे तो सुबह देने वाला था पर अभी देने के लिए आया है वो। तो मैंने कि लेट नहीं करते हैं, अपन चलते हैं अभी पहले ले लेते हैं, क्योंकि क्या जितना लेट होंगे उतना और टाइम जाता जाएगा वीडियो वगैरह बनाने के लिए, व्लॉग के लिए। तो पहले लाइटिंग इधर कम है, मैं एक बार गाड़ी में चल के आप लोगों से बात करता हूँ और उसके बाद पोस्ट है वो अपने को बाहर वाले रोड पे मिल रहा है। हाँ अभी मौसम भी बहुत अच्छा है, तेज़ हवाएं चल रही है, ठंडी ठंडी बढ़िया। अभी मौसम भी अच्छा चल रहा है 2-4 दिन से जयपुर का। एक मिनट रुक जाओ बस गाड़ी में चलते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। आ जाओ एक मिनट भैया, आप पीछे जो भी हो प्लीज़ रुक जाओ, हमें थोड़ा सा जल्दी जाने दो, हमारा डिलीवरी बॉय चला जाएगा। तो गाइज अभी जल्दी से पहुंचते हैं। एक तो यार दिक्कत ये हुई ना कि मेरा जो बाहर का मेन रोड है उसका भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है। तो बस ये प्रे करते हैं कि बाहर वाला अपना वो रोड नहीं खुदा हो जहाँ से कार निकलनी है, वरना और लंबा टाइम लग जाएगा अपने को पहुंचने में। काफी तेज आंधी चल रही है भाई बाहर, देखकर सीट बेल्ट लगा लो, परेशान करती है ये बहुत। तो अभी मैं क्या बोल रहा था, हाँ कि बाहर का रोड ना खुदा हो अपना, वरना जहाँ से कार निकलती है वहाँ से दिक्कत आ जाएगी बड़ी ज़्यादा निकालने में गाड़ी, क्योंकि उन्होंने बहुत खोद दिया था अभी दिन में जब मैं गया था बाहर। और यही एक रीज़न है कि अब अभी अपन बाइक भी नहीं ले जा पाएंगे बाहर। हट जाओ कुत्ते भाई। एक तो मेरे इधर के ना कुत्ते बड़े ख़राब हैं गाइस, वो मैंने आपको एक सीन बताया था ना कि अपनी बाइक चोरी होने वाली थी, चोर आए थे, इतने हरामी कुत्ते साले कि उन्होंने क्या करा, जब चोर आए ना तो उनके साथ खेलने लग गए, उन्होंने सपोर्ट नहीं करा कि भौंके कुछ आवाज़ निकालें, राम खोर उनको लगा कि इनकी गाड़ी है कुछ देखा गाड़ी करते कुछ देख। हाँ उनको ऐसा लगा क्योंकि हम नए शिफ्ट पे थे तो उनको अपनी से ज्यादा जान पहचान तो ही नहीं थी, तो उनको लगा कि ये भी भाई इधर ही अपने साथ रहते हैं, फर्ज नहीं निभा रहे। अरे भैया हटो ना, क्या हो गया, बीच रास्ते अटक गए। अभी आए थे अपन, दिनों आए थे कल। हाँ अभी दिन में हमारे साथ एक ट्रेजेडी और हुई, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाओ ध्यान दे लू जरा। अरे आप भी अभी निकलोगे क्या इधर ही यार। हाँ भाई तू भी उल्टा ही आ जा, मौसम खराब हो रहा है यार 2-3 दिनों से जयपुर का। अभी फिर रात में देखो अपना तेज आंधी चल रही है, कल परसों में बारिश ना हो जाए। वैसे तो वैसे बाइक से कहीं जाना नहीं है अपने को, भी टायर भी ऑर्डर करना है अपनी बाइक का, वो भी बड़ी दिक्कत है। और अभी इतने दिनों के लिए मुझे GoPro देने के लिए थैंक्स, जिसने भी दिया, नाम नहीं रिवील करूँगा, थैंक यू सो मच। और अभी अपना GoPro आ गया है तो हम बिल्कुल इज्जत से, हमने आपका सामान रखा था वो आपको बिल्कुल इज्जत से वापस दे दिया जाएगा अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो। और अभी अगर फटाफट चल के लेते हैं उनसे मौसम बिगड़ने से पहले, वरना वो डिलीवरी बॉय कहने लगेगा कि भाई बारिश हो गई, अगर बाई चांस हो जाती है तो अपने को अपना पार्सल भी नहीं मिल पाएगा, फिर कल या परसों वेट करो जब मौसम सही रहेगा। मैं माल लेने आगे अपन। हाँ धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार तो सुबह दे दिया था आपने, आगे दौड़ा। पिछली बार भी तो शायद आप ही आए थे। पहली बार मैं ही आता हूँ। अरे भाई साहब ट्रेजेडी हो गई गाइस, पेपर उड़ गया। ओ फक, बच गया, देखा आप लोगों ने, देखा अभी वो पेपर उड़ गया था, बच गया, बहुत तेज हवा चल रही है। क्या वर्जित, अरे बैंक पेन भी दे गया भैया का, ले पेन दे दे आपका, पेन मिल गया ना, अरे नाले के अंदर चल जाता हूं। हां गाइस अभी तो चोट हो जाती भैया को, जो मैंने साइन करके वो दिया था ना, ओके भैया, जो मैंने साइन करके दिया था अभी वो उड़ के आगे चला गया, इतनी तेज हवा चल रही थी मैं उनको वापस पकड़ा रहा था। तो अभी क्या करें भाई, इसको अभी यहीं खोल ले के, किया घर चल के खोले, घर चल के खोले क्या, पिछला वाला भी घर चल के खुला था अपने साथ, पीछे भी पहाड़ से बैठा है, उसका भी नामकरण करा हुआ है हमने, सबके नाम दे रखे, बस मेरे ही बचा हुआ है नाम, मेरा कोई नाम नहीं है। जनता बताएगी इनका, क्यों बताएगी, तुम्हारा भाई हूँ मैं, कोई उल्टा सीधा नाम मत बताना मेरा, प्यारे नाम, प्यारा भाई हूँ मैं तुम्हारा, तुम मेरे सब प्यारे भाई हो, साले कंबल है ना। तो अभी अपन ऐसा करते हैं गाइस, वैसे तो मुझे बहुत खुशी हो रही है अपना माल जल्दी मिल गया, बारिश हो रही थी
पर उससे पहले मिल गया, अभी बारिश धीरे धीरे हो रही है। वो भैया हाँ, वो अंकल बस टाइम से पहुंच जाए वो तो अच्छा है, वो रेडी हो गए अपने को टाइम से, टाइम मिलते हैं उनके मतलब रात में देने को, क्योंकि वो बाहर चले गए थे। सैटरडे को फोन आया था मुझे उनका कि आपका माल आ चुका है आपका पार्सल, बट मैं अभी दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मंडे को दे दो, मंडे को मॉर्निंग में आया नहीं तो मैंने यूपीएस पे कॉल करा, तो उन्होंने कहा यार मैं पता करता हूँ आपका पार्सल किसके पास है, बट इन्होंने आगे होकर मुझे खुद कॉल करा, तो मैंने कहा 9:30 चाहे 10 अपने को अपना पार्सल लेना है, तो अपन ने आके अपना पार्सल ले लिया। अभी घर चलते हैं और वापस इसको अनबॉक्स करके देखते हैं अब क्या है सिस्टम। मैंने उनको वैसे तो बोला गोप्रो को कि यार दोबारा अभी ये प्रॉब्लम आई तो अपन टॉलरेट नहीं कर सकते बार बार। यार देखो आपने एक वो पिछले व्लॉग में भी देखा ही था मेरा, जो अपन कोटा से जयपुर आ रहे थे, बीच रास्ते में टनल आने से पहले गोप्रो अपना चलना बंद हो गया, तो उस टाइम जैसे अभी सिचुएशन हुई थी कि मैंने क्या करा, बैटरी निकाली और वापस लगाई तो वो चल गया। बट इस बार जब अभी बंद हुआ, जब मैं अपना डाटा ट्रांसफर कर रहा था, तो उस टाइम ऐसा बंद हुआ कि वो चालू ही नहीं हुआ। तो ये चीजें यार बड़ी परेशान कर रही है मुझे गोप्रो से, पता नहीं अब दूसरे लोगों के साथ ऐसा है कि नहीं है, क्या दिक्कत है, या मेरे साथ ही पर्सनली ऐसा हो रहा है कि गोप्रो मुझे बार बार परेशान कर रहा है। पर ये चीज यार देखो होती रहेगी तो अपना मोटो व्लॉग चैनल तो चल ही नहीं पाएगा, फिर तो वीडियो ही नहीं बन पाएगी। दिक्कत 2-3 आ गई अभी ये, इस बार तो अपने को बहुत ज्यादा ही केयरफुल रहना पड़ेगा कि दोबारा दिक्कत ना आए, क्योंकि अब अपनी क्या है वारंटी भी खत्म होने वाली है, वो खत्म हो गई तो ये मुझे रिप्लेस करके भी नहीं देंगे, तब तो ये भैया ही बोलेंगे कि आपका वारंटी खत्म हो चुका है। वारंटी अब लास्ट 2-3 और बचा है, वैसे मैंने एक्सटेंड कर ली थी उस टाइम पे जब मैंने गोप्रो लिया था, तो मैंने उस टाइम पे एक्सटेंड कर ली थी मेरी वारंटी, इसलिए दोबारा अभी चेंज होकर आ गया। अगर इस वारंटी में नहीं होता तो शायद अभी इस बार भी चेंज नहीं होता और आगे भी नहीं हो पाए। तो अभी इस बार फिर से गोप्रो हीरो 9 ही आया अपना ब्लैक, तो अभी घर चलते हैं और वहाँ अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद आपसे बात करता हूँ मैं। तो गाइस अभी आ गया अपन घर, सिंगापुर से अपना गया पार्सल, डिटेल्स समेत खोलते हैं इसको, अभी वापस से चेक करते हैं पूरा। ये भी आपके सामने पूरा खोल रहा हूँ, पिछली बार पहले खोल दिया था मैंने। सेम स्टाइल जैसे पहले आया था, एक बॉक्स है इसमें, अंदर बॉक्स के अंदर अपना वही मेंशन्ड हीरो 9 रिप्लेस्ड वारंटी में, और क्या है भाई तो अपना पैकिंग बिल है और कुछ नहीं। तो इसको साइड रखते हैं, इसको वापस खोलते हैं। ये रहा अपना हीरो 9 ब्लैक, फिर से रिप्लेस्ड होके आ गया है, बट अब चाहेंगे अपन दोबारा वैसी दिक्कत ना आए। एक बार बैटरी चेक कर लेते हैं कहाँ है बैटरी, बैटरी नहीं आई ब्रो, शायद इस बार बैटरी नहीं आई। हाँ गाइस इस बार बैटरी नहीं आई, तो अपन अपनी पुरानी बैटरी डाल के चेक करेंगे इसको, अंदर देख लेते हैं। अंदर तो नहीं है, अंदर कोई बैटरी नहीं है, सिर्फ कैमरा रिप्लेस हुआ है अपना। तो एक बार मैं वापस आता हूँ अपनी पुरानी बैटरी लेके, उससे चेक करते हैं गोप्रो ऑन होता है कि नहीं होता है। तो अपन ले आए अपनी पुरानी बैटरी, अब इसको डाल के देखते हैं क्या है। ये चार्ज तो थी शायद, जितना मुझे ध्यान है लास्ट टाइम कोई हरकत तो नहीं हुई। हो गया गाइस चालू, देख सकते हो मैं भी दिख रहा हूँ, सामने वाला भी दिख रहा होगा। चलो बढ़िया है, अपना गोप्रो वापस आ गया 9 सही हो गया। अब इसको पूरा सेट कर लेते हैं अपन, इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, सारे अपडेट डाल देते हैं, उसके बाद इसको तैयार हो जाएगा मतलब अपना पूरा गोप्रो मोटो ब्लॉग करने के लिए। इसका जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ 8, उससे अच्छा नाइट विजन है, बाकी सारी चीज़ें मतलब उससे अच्छी क्वालिटी में बढ़ चुकी है। बट अभी जो लेटेस्ट आ रहा है वो हीरो 11 आ रहा है, तो उससे तो कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, मतलब मोड वगैरह चेंजेस हैं, बाकी तो सेम सिमिलर ही चल रहा है 8, 9, 11। तो मोड भी जो है वो हाइपर मोड आया है, और ज़्यादा अल्ट्रा वाइड है वो, मतलब सुपर वाइड से भी और वाइड है ना व्लॉग, इसलिए मैं शूट करा। क्योंकि गाइज अपने बहुत सारे दोस्त और लोग कमेंट करते हैं और मेरे को भी बोलते हैं कि भाई आप डेली व्लॉग करो या व्लॉग्स डालते रहो, तो इसलिए अपन ने ये व्लॉग बनाया भी, क्योंकि अभी कुछ आगे व्लॉग था नहीं। और अभी तो जैसा आपको पता ही, मैंने बताया आगे बाहर अपने रोड के जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस वजह से मैं बाइक भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, और अपने को अपना वो क्या कहते हैं टायर भी ऑर्डर करना है। तो गाइज होप आप लोगों को ये भी वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, और आप लोग मुझे सपोर्ट करो
अगर आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं कराया तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डालता हूँ, मैं वीडियो के एंड में भी डालता हूँ, तो वहाँ मुझे फॉलो करो और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करना मत भूलना। टेक केयर गाइस, बाय। और हमेशा जैसा मैं कहता हूँ, राइड हार्ड राइड सेफ। तो राइड सेफ जगह सबसे जरूरी होता है, राइडिंग गियर्स अपना पहन के राइड करो। तो बाय गाइस।